विद्यार्थियों सुप्रभात, सबको नमस्कार। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम हमेशा की तरह बिहारी के दोहों का भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य देखेंगे। चलिए हम आगे के दोहों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो दोहा है, इस दोहे का मैं सस्वर वाचन करता हूँ। करो कुबत जगु कुटिलता, तजो न दीन दयाल। दुखी होहुगे सरल ही है, बसत त्रिभंगी लाल। देखिए, ये जो दुआ है भक्ति रस का दुआ है, इसमें बिहारी ने श्री कृष्ण के प्रति अपने हृदय की श्रद्धा को प्रकट किया है। और वह श्री कृष्ण के मुरली वादन करते समय जो उनका त्रिभंगिमाधारी रूप है, तीन जगह से उनका शरीर टेढ़ा हो जाता है, कमर, उनके हाथ और उनके पैर, तीन जगह से वो भंगिमाएँ बनाकर टेढ़े हो जाते हैं, उस स्वरूप को अपने हृदय में बसाना चाहते हैं। और इसके लिए वो एक बहुत ही विनोदपरक बात कहते हैं। वो कहते हैं, करो कुबतु कुबत जगु कुटिलता, तजो न दीन दयाल। कि हे दीन दयाल, हे दीनों के दयाल, गरीबों के प्रति दया भाव रखने वाले श्री कृष्ण, करो कुबत। कुबत अर्थात बुरी बात, कि मैं बुरी बात अवश्य करूँगा, बुरा कार्य अवश्य करूँगा, बुरा आचरण अवश्य करूँगा। जगु कुटिलता, संसार में कुटिलता का भाव रखूँगा, नीचता का भाव रखूँगा। तजो न दीन दयाल, हे दीन दयाल, मैं इन बातों का त्याग नहीं करूँगा। विनोदपरक है कि वो इस प्रकार से अपने आप को बुरा आचरण वाला कार्य करने के लिए और बुरा आचरण का व्यक्ति बनने के लिए स्वयं कह रहे हैं कि मैं ऐसा बनूँगा। और उसका कारण क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि भाई, यदि मैं सही हो जाऊँगा, यदि मैं सदाचरण करूँगा, सरल हो जाऊँगा, तो मेरा हृदय भी सरल हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। और उस सीधे हृदय में तुम्हारी ये टेढ़ी जो मुद्राएं वाला, टेढ़ी मुद्राओं वाला जो स्वरूप है, उसको मैं कैसे अपने हृदय में स्थापित कर पाऊँगा। इसलिए मैं बुरा काम करूँगा, बुरा आचरण करूँगा, तो मेरा हृदय भी टेढ़ा रहेगा और उस टेढ़े हृदय में तुम्हारा टेढ़ा स्वरूप आएगा, जिससे तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। अगली पंक्ति देखिए, दुखी होगे सरल ही है, बसत त्रिभंगी लाल। हे श्री कृष्ण, हे तीन भंगिमा वाले श्री कृष्ण, जब तुम मुरली वादन करते हो तो तुम तीन जगह से टेढ़े हो जाते हो। उस स्वरूप को मैं अपने हृदय में बसाना चाहता हूँ और मेरा हृदय सरल हो जाएगा तो तुम दुखी हो जाओगे, तुम उसमें रह नहीं पाओगे। इसलिए मैं अपना आचरण बुरा रखूँगा ताकि मेरा हृदय भी टेढ़ा रहे। कब कोटे रत दीन रट, होत न श्याम सहाय। तुम हूँ लागी जगत गुरु, जगनायक जग बाय। अगले दोहे में भी भक्ति रस है। भक्ति रस के इस दोहे में श्री कृष्ण को उपालम्ब उलाहना देते हुए बिहारी दास जी लिखते हैं, कहते हैं, कब को टेरत दीन रट, कि मैं पीड़ित व्यक्ति कब से टेर रहा हूँ, पुकार रहा हूँ, दीन रट, अपनी पीड़ित आवाज़ में पुकार रहा हूँ। होत न श्याम सहाय, हे श्री कृष्ण, तुम मेरी सहायता नहीं करते। तुम हूँ लागी जगत गुरु, जग नायक जग बाय। कि हे संसार के गुरु, संसार के स्वामी, जगनायक, संसार का नेतृत्व करने वाले श्री कृष्ण, ऐसा लगता है कि तुम्हें जगबाय लग गई है। जगबाय अर्थात संसार की बाय, यानी हवा, संसार की हवा लग गई है, यानी तुम भी संसार की तरह स्वार्थी हो गए हो। अपने स्वार्थ होता है तो तुम चले आते हो, और जब तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो तुम दीन रट को, दीनों की पुकार को नहीं सुनते हो। तो यहाँ उपालम्ब के माध्यम से श्री कृष्ण को उनके कष्टों को की पुकार को सुनने, वो उन्हें दूर करने का करने की प्रार्थना बिहारी दास ने की है। ब्रज भाषा का दोहा है। और इसमें देखिए, दूसरी पंक्ति में जगनायक जग शब्द जो है, जगनायक शब्द का
अंश है जग, और जहाँ किसी शब्द का अंश आए तो वहाँ यमक होता है। यमक अलंकार का भेद है सभंग यमक, तो यहाँ सभंग यमक का प्रयोग किया है। थोरे ई गुण रीझते बिसराई वह बानी, तुम हु कान मनो भये आज काली के दानी। थोरे ही गुण रीझते, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, हे परमात्मा, थोड़े ही गुण रीझते, तुम तो थोड़े से गुणों से ही प्रसन्न हो जाते थे। कोई व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति में यदि थोड़े से भी गुण हैं तो तुम प्रसन्न हो जाते थे। बिसराई वह वाणी, उलाना दे रहे हैं श्री कृष्ण को कि बिसराई वह वाणी, तुमने वाणी, वाणी का अर्थ है आदत, वह आदत छोड़ दिए, तुम उस आदत को बिसरा चुके हो, भूल चुके हो, ये तुम में कैसे परिवर्तन हो गया। तुम हूँ कान मनो भये, ऐसा लगता है श्री कृष्ण, उत्प्रेक्षा है यहाँ पर, भय का मतलब हो गए हो आजकल के दानी, कि तुम आजकल यानी वर्तमान जो है, वर्तमान में जो दानी है उनकी तरह हो गए हो। दानी जो है आजकल के दानी व्यक्ति जो है, आजकल के दानी वो व्यक्ति के गुणों की तरफ देखकर रीझते ही नहीं है। तो तुम ये जो वर्तमान स्वरूप के दानी हैं उनके आचरण को छोड़कर थोड़े से गुणों की तरफ देखकर अपने भक्तों का कष्ट का हरण करो। तो ये हमने तीन दोहे पढ़े, तीनों दोहे भक्ति रस के थे। अगला दोहा देखिए, जिसमें बिहारी दास ने अपने राजनीतिक ज्ञान का प्रयोग किया है। बहुज्ञ थे, और अगले दोहे में उन्होंने अन्योक्ति के माध्यम से मिर्जा राजा जयसिंह, जो उनके आश्रयदाता राजा थे, उनको संदेश दिया है कि वो अपनी जाति के हिंदू शासकों के पर औरंगज़ेब के कहने से आक्रमण न करे, उनकी हत्या न करे। और अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग है, बिहारी दास ने अपनी रचनाओं में अन्योक्ति अलंकार का बखूबी प्रयोग किया है। अन्योक्ति अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत बात कही जाती है। अन्योक्ति अलंकार को अप्रस्तुत प्रशंसा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, पहले हम इसका भावार्थ करते हैं, फिर बताते हैं आपको कि इसमें अन्योक्ति कैसे है। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देखी विहंग बिचारी, बाज पर आए पानी परे, तू पक्षी नू न मारी। यहाँ बाज पक्षी को कहा गया कि हे बाज, पराए पानी परे, कि तू दूसरों के हाथों में पड़कर पक्षी नू मारी, तू पक्षियों को मत मार, पक्षियों की हत्या मत कर, क्योंकि पक्षियों की अपनी ही जाति के पक्षियों की हत्या करने से, हे पक्षी राजबाज, न तो तुम्हारा कोई स्वार्थ सिद्ध होगा, न कोई सुकृत है, ये सुकृत का मतलब पुण्य है, न इसे तुम्हें कोई पुण्य की प्राप्ति होगी। श्रम वृथा, और तुम्हारा जो श्रम है, मेहनत है, वो वृथा चली जाएगी, निष्फल हो जाएगी, तो तुम ये काम मत कर। देखिए, यहाँ बाज पक्षी ये सब अप्रस्तुत बातें हैं, वो कहना चाहते थे मिर्जा राजा जयसिंह को ये बात। यहाँ बाज जो है मिर्जा राजा जयसिंह का प्रतीक है। अन्योक्ति अलंकारों में प्रतीकों का खूबसूरती से प्रयोग होता है। यहाँ ये कहा गया है कि हे मिर्जा राजा जयसिंह, हे बाज रूपी मिर्जा राजा जयसिंह, तू पराए पानी में अर्थात पराए हाथों में औरंगजेब की बातों में आकर पक्षी नू न मार, तू अपने हिंदू राजाओं शिवाजी छत्रसाल जैसे राजाओं के खिलाफ युद्ध मत कर, उनकी उनको मत मार, इससे तुम्हें कोई तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध होगा, न ही तुम्हें कोई पुण्य की प्राप्ति होगी। अगला दोहा देखते हैं। करी फुलैल को आच मन, मीठो कहत सराही, ए गंधी मति मंद तू, इतर दिखावत काही। देखिए, बिहारी का जो काव्य है, इस काव्य में सामंती वैभव का, सामंती विलास का, सामंती प्रवृत्तियों का चित्रण है। नगरीय सभ्यता का, नगरीय सभ्यता के प्रति
बिहारी का विशेष मोह था। यहाँ पर ग्रामीण बिहारी की सत्से में ग्रामीण सभ्यता के प्रति बिहारी के मन में पूर्वाग्रह था, ग्रामीण सभ्यता के प्रति, ये कई दोहों में इनके दिखाई पड़ता है। ये भी एक ग्रामीण संस्कृति को का यहाँ उपहास किया गया है। जो इत्र बेचने वाला गंधी है उसको ये कहा गया है, करी फुलैल को आचमन। फुलैल फूलों का तेल है, संधि हुई है फूल प्लस तेल से फुलैल, ये संधि का अपवाद है। फुलैल यानी फूलों का इत्र, फूलों से बना तेल, खुशबूदार तेल। कि हे गंधी, तू यहाँ कहाँ इत्र बेच रहा है, कहाँ तू ये खुशबू का व्यापार कर रहा है? ये मूढ़ लोग हैं, गांव के लोग जो हैं ये मूर्ख हैं। तू इनको फूलों का तेल दे रहा है खुशबू के लिए और ये इसको आचमन कर रहे हैं, आचमन का अर्थ पी रहे हैं और कह रहे हैं ये बहुत मीठा है। ए गंधी मति मंद तू, हे इत्र बेचने वाले, इत्र फरोश तू, तेरी बुद्धि नहीं है, तू मंद बुद्धि है। इनको इत्र दिखा क्यों रहा है? क्योंकि इनको इत्र के उपयोग की जानकारी नहीं है। अगला दोहा देखिए, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कंटीली डार। देखिए यहाँ पर भी देखा जाए तो अन्योक्ति है। यहाँ पर एक भंवरे को, दूसरी पंक्ति देखिए, अब अली रही गुलाब में अपत कंटीली डार। यहाँ भंवरे को कहा गया है कि हे भंवरे, कि अब वो जो तूने जिन दिन देखे वे कुसुम, कि तुमने बीते समय में तुमने खिले हुए फूल देखे थे, अब वो बहार चली गई। बहार का अर्थ यहाँ है बसंत ऋतु, अब वो वसंत ऋतु चली गई, अब तो तुम्हें गुलाब की जो डाली है उसमें बिना पत्ते के कंटीली डाल देखने को मिल रही है। अर्थात सुख के दिन बीत गए हैं और दुख के दिन आ गए हैं। ये हम इस अन्योक्ति का हम कई अर्थों में अर्थ ले सकते हैं कि भाई कुसुम जो है नव यौवना स्त्री का प्रतीक है, कि यौवन जो होता है वो आता है और बसंत ऋतु की तरह यौवन भी एक दिन चला जाता है और फिर वृद्धावस्था में व्यक्ति का यौवन जो है वो उसका साथ छोड़ देता है। एक तो ये अर्थ ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा अर्थ ये है कि भाई सुख के दिन स्थायी नहीं होते, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। तो दोबारा अर्थ देख लेते हैं, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कंटीली डार। कि हे भंवरे, तूने जिन दिनों में फूल देखे थे वह बहार चली गई है, अब भंवरे रही गुलाब में अपत कंटी, बिना पत्तों की कांटों वाली डाल रही है, अब केवल दुख है, अब दुख को छोड़ सुख की संभावना नहीं है। अब अगला दुआ देखते हैं, कौन भांति रही है बिरदू अब देखी बेमुरारी, बीधे मोसो आनी के गिधे गिध ही तारी। कौन भांति रही है बिरदू, यहाँ पर यदि हम देखें, अब देखी बे मुरारी, मुरारी श्री कृष्ण को कहा गया है। समास विग्रह करें मुरारी का, तो मुर राक्षस के अरी हैं जो मुरारी कहलाते हैं। कौन भांति रही है बिरदू, बिरदू का अर्थ है प्रशंसा, प्रशस्ति की यश। कौन भांति रही है बिरदू, अर्थात तुम्हारी प्रशंसा कैसे रहेगी
अब देखी बे मुरारी, हे मुरारी अब देखना तुम, क्योंकि बीधे मौसो आनी के गिधे गिद्ध ही तारी, कि तुम बीधे शब्द का अर्थ है उलझे हुए हो, बीधे मौसो आई के गिधे गिद्ध ही तारी। गिद्ध, यहाँ जो गिद्ध है ये गिद्ध है संपाति। भाई संपाति जो है उसको उसका तुमने उद्धार किया था कि हे मुरारी अब देखते हैं कि तुम्हारी अच्छा काम करने की का जो यश है वो किस प्रकार रहेगा, क्योंकि तुमने संपाति नामक गिद्ध को तो तार दिया था, लेकिन अब तुम बिद्ध हुए हो, उलझे हो मुझ जैसे महापापी से, क्योंकि आपने एक सामान्य पापी संपाति को तो तार दिया, लेकिन मुझ महापापी से उलझे हो। अब देखते हैं कि तुम अच्छा काम कर पाते हो या नहीं। यानी यहाँ इस बहाने उन्होंने स्वयं के उद्धार करने की बात कही है। अगला दोहा देखें, बहुत ही खूबसूरत दोहा। इस एक दोहे में अनेक भावों का सम्मिश्रण किया है। नायिका और नायक के आंखों से हुए वार्तालाप का चित्रण है। आंखों ही आंखों से उन्होंने एक दूसरे को सब कह दिया है बिना बोले। और एक साथ कई भाव यहाँ आप अपने को देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब किसी प्रसंग में अनेक भावों का सम्मिश्रण हो, जैसे खिचड़ी हो या कोई रंग बिरंगा इंद्रधनुष हो, इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाए, अनेक भावों का सम्मिश्रण हो जाए, तो रस में यह स्थिति भाव शबलता कहलाती है। यहाँ भाव शबलता का चित्रण है, अनेक भावों का संयोग है। नायक और नायिका भरे दरबार में भीड़ में किस प्रकार आंखों से वार्तालाप करते हैं उसका चित्रण है। कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भान में करत है नैन नहीं सो बात। कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजिया। देखिए नायक जो है आंखों ही आंखों से कहत 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 का मतलब कहता है, अपना प्रेम निवेदन नायिका को आंखों ही आंखों से देता है, और नायिका आंखों से ही नटत यानी मना कर देती है, झूठ मूठ का मना करती है वो। और इसकी झूठ मूठ के मना करने को देखकर नायक रीझता है, नायक नायिका की इस अदा पर प्रसन्न होता है, और नायक के इस तरह प्रसन्न होने से नायिका खीज उठती है। खींचने के पश्चात मिलत, मिलत का मतलब है दोनों की आंखों का मिलना यानी प्रेम होना, दोनों की आंखें मिलती है, और खिलत दोनों की आंखें प्रसन्न हो जाती है। और जैसे ही दोनों की आंखें प्रसन्न होती है नायिका लजियात, नायिका शर्मा जाती है। व्रीड़ा नामक संचारी भाव है, जहाँ लज्जा का वर्णन हुआ व्रीड़ा होता है। भरे भवन में करत है नैन नहीं सो बात, और इस प्रकार भीड़ भरे भवन में नायक और नायिका अपने चातुर्य से आंखों के द्वारा ही अपने समस्त भावों को प्रकट कर देते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत दोहा है, भाव सबलता का बहुत ही खूबसूरत चित्रण है, अनेक अनुभाव इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो मैंने आज दोहे पढ़ाए हैं आपको, इन दोहों की आप सप्रसंग व्याख्या लिखिए, इनके भावानुवाद और शिल्प सौंदर्य को भी आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए और मुझे व्हाट्सएप पर भेजिए, ताकि मैं मूल्यांकन कर सकूँ आप कितना पढ़ रहे हैं। तो ये आपका होम असाइनमेंट है। शुक्रिया, धन्यवाद।